कैलगरी डाउनटाउन का स्काईलाइन, ठीक है, इस पार्क का नाम है जो मैं आज आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। थोड़ी सी वॉक करते हैं अंदर, ये बिल्कुल डाउनटाउन में, इसका नाम है प्रिंसेस आइलैंड। देखते हैं कैसा, आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप कैलगरी में नए आने वाले हैं, आपके लिए अब मस्ट विजिट होने वाला है, क्योंकि सुना काफ़ी प्यारी सी अच्छी जगह है, साथ में पूरा डाउनटाउन भी चल रहा है, बीच में बो रिवर जा रहा है। ठीक है जी, सब आपको चेक कराते हैं। भाई क्या हाल चाल, क्या हाल चाल भाई। अच्छा भाई देखें, प्रिंसेस आइलैंड के लिए आपको मैक्सिमम 10 किलोमीटर की स्पीड से चलना है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं आप चल सकते। बाकी देखें, सर्दियों की इन्होंने पहले से वार्निंग्स दी हुई है कि आइसी हो सकता है। खूबसूरत व्यूज़, ब्यूटीफुल ब्रिज, एंड नाउ आई एम गोना शो यू द ब्यूटीफुल बो रिवर। तो भाई ये है वॉकिंग ट्रेल का पार्ट 3, जिसमें हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं डाउनटाउन कैलगरी। दोबारा से आपको दिखाते हैं। कमी है और कैसे, ब्यूटीफुल टर्कोइस कलर का पानी। हाँ, आपको पता है ये कलर क्यों होता है टर्कोइस? क्योंकि जब ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके आता है ना, तो कुछ केमिकल रिएक्शन होता है सैंड के साथ, उसकी वजह से पानी टर्कोइस कलर का हो जाता है। इसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सफाई देखें आप लोग, सफाई कैलगरी वैसे बहुत साफ है, इतना साफ सुथरा पार्क। वाह, और ट्रीज देखें, ट्रीज यार, यही तो चीज़ मैं मिस कर रहा था। नॉर्थ वेस्ट की ये बात है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रीज नहीं है, क्योंकि वो अभी नया नया एरिया, थोड़ा प्रेरी लैंड है। ये पुराने ट्रीज हैं, लोगों ने उस ज़माने में सीड किए होंगे, या किसी स्क्विरल ने अपने नट्स छुपाए होंगे, और आज इतने बड़े बड़े ट्रीज। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द डाउन टाउन, इट्स लाइक द सेंट्रल पार्क ऑफ, इट्स लाइक सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में अगर आप गए हो ना, तो वो भी थोड़ी ऐसी वाइब देता है। पर खैर, वहाँ तो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, पर ये भी अपनी तरह की काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। ब्यूटीफुल, या टू बी ऑनेस्ट गाइस, कैलगरी इज ब्यूटीफुल, स्पेशली इन समर्स और स्प्रिंग। पर हाँ, विंटर्स वर हार्श, इसमें कोई शक नहीं है, पर राइट नाउ इट्स लाइक ऑसम भाई। तभी आपको एक्सप्लोर करने से पता चलेगा कि यू नो कि कैसी जगह है, घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। या थोड़े से निकलते हैं, चेरी ब्लॉसम टाइप है ना, दैट्स ब्यूटीफुल। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लुक एट द मेंटेनेंस। फिर लोग कहते हैं कनाडा जो है वो बेकार है, मतलब भाई ये बेकार है। एवरी सिंगल थिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। एटलीस्ट आपके टैक्स के पैसे खा के तो नहीं बैठे हुए ना चोर के बच्चे। यार जितना मैं ट्रीज को मिस कर रहा था ना, यहाँ सारी कमी पूरी हुई। लुक एट द हाइट ऑफ दिस ट्री यार, सीरियसली जबरदस्त। और ये जो सीन है ना भाई, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि आई लव वाटर। पानी से जितना मुझे प्यार है ना, उतना दरख्तों से, जंगलों से नहीं है यार। चेक करें माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या चल है भाई, ठीक हो? ब्यूटीफुल। आई एम आपको थोड़ा सा पानी का साउंड, ठीक है, वो चेक करता हूँ पानी का साउंड। ग्लेशियर का ठंडा बर्फ पानी, यू कैनॉट स्विम हियर राइट नाउ फॉर श्योर, हाइपोथर्मिया कन्फर्म। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं ट्रेल में, इस तरफ वॉक करते हैं, देन आई विल शो यू गाइस, ओके। और एक और भी चीज़ है भाई, देखें अगर वीकेंड आए ना और आप कैलगरी में हो, और स्पेशली लॉन्ग वीकेंड है, यानी कि मंडे की भी यहाँ पे छुट्टी है,
इसमें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डोंट गो टू बैंफ, बहुत ज़्यादा इतना बिजी होता है कि मतलब आपको चिढ़ हो जाएगी, वो इतना बिजी होता है। तो हैरत की बात है कि डाउनटाउन का पार्क है, ठीक है, पर ऑलमोस्ट एम्प्टी है, बहुत कम लोग हैं। सैटरडे का दिन मतलब ये भरा होना चाहिए था, पार्किंग लॉट भी खाली। तो भाई जब भी लॉन्ग वीकेंड हो इधर आओ, डाउनटाउन घूमो, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा पहाड़ियों में जाओ। तो फिर आपको ये सारे प्यारे प्यारे दरख्त मिलेंगे, स्क्विरलों से भरा हुआ। नज़र आ रही स्क्विरल्स आपको? देखें दो तो वहाँ रही, इतनी स्क्विरल्स, सो ब्यूटीफुल। मतलब डाउनटाउन की हसल बसल के साथ इतना खूबसूरत। आई हैव बीन वॉकिंग अराउंड 30 मिनट्स नाउ और अभी भी पार्क ख़त्म नहीं हुआ, और अभी भी मैं आगे जाता रहूँगा, देखते हैं किस तरह के। पर क्या बात है, मतलब 30-30 मिनट की आप वॉक करें सिर्फ, खाली पड़ा हुआ ऑलमोस्ट, ना बंदा ना बंदी के साथ। देखिए यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी भी चल रही है, ज़बरदस्त, दुल्हा दुल्हन, क्या बात है, यू नो, बड़ा कोई ख़ास किस्म का फ़ोटोशूट भी चल रहा है, अमेजिंग। यहाँ से मैं आपको दोबारा से, ये पूरे रास्ते में बोर रिवर चलता रहता है, जितनी भी आप वॉक करते रहेंगे ये चलता रहेगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रिवर थोड़ा सा काम है, काम तो नहीं है वैसे, तेज़ है काफ़ी, आई थिंक पत्थर वगैरह ज़्यादा नहीं आगे जाके है। अच्छा ये देख रहे हैं ये डैम्स बने हुए, बेसिकली एक फ्लडिंग भी हुई थी कैलगरी में बारिशों की वजह से, तो उसके बाद से उन्होंने काफ़ी चेंजेस लेकर आए, पर आई थिंक ये तो खैर पुरानी है, पर हुई थी यहाँ पर फ्लडिंग, तो ये जो बोर रिवर है ना काफ़ी ऊपर आ गया था। वो जो है ना देख रहे हैं आप, पीस ब्रिज बोलते हैं इसको। अच्छा ये भी एक्सटेंशन है उस बोर रिवर की जो कि यहाँ पे चल रही है, और वहाँ पे देखें फुल भाई माहौल, आई थिंक पूजा वगैरह हो रही है। चलो इस पीस रिवर ब्रिज पे आपको ले जाते हैं। सो भाई दिस इज द फेमस पीस ब्रिज, तो भाई दिस इज अनदर साइड ऑफ कैलगरी, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस बिफोर। जब मैं आया था लास्ट ईयर मैंने तो ये सब नहीं देखा आगे। लुक एट दिस पीस ब्रिज, और पीछे खूबसूरत ही देखें आप, मतलब मेरा थोड़ा सा ना चेंज हो गया माइंड सेट कैलगरी के बारे में। समर्स आर अमेजिंग हियर भाई, कोई शक नहीं है, टोरंटो की तरह बहुत ज़्यादा हसल वसल नहीं है, इवन कि मैं भी डाउन टाउन में, पर काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल कि आप अपनी फैमिली को सुकून से लेके घूम सकते हैं। चलो अब वापसी का सफ़र करते हैं, ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स मैंने वॉक करी है विद दीज व्यूज। हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर समवन हु इज कमिंग टू कैलगरी, या आप कनाडा आ रहे हो तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जगह आपको पता नहीं होती, आप लोगों को पूछना पड़ता है लोगों से, अगर आपको ऐसी वीडियोज मिल जाए तो यू वुड हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट टू डू। जो कैलगरी टावर है वो इसके पीछे है, सो नाउ यू वुड हैव अ बेटर आइडिया। और ये नॉर्थ है मेरे हिसाब से डाउनटाउन का, लुक दिस ब्यूटीफुल कॉन्डोज ऊपर जिनके घर हैं यार, क्या बात है, क्या व्यू मिलता है उनको, ये सब जबरदस्त। वो कॉन्डोज देखें यार आप, कॉन्डोज बेसिकली अपार्टमेंट्स को बोलते हैं कनाडा में, क्या कॉन्डोज हैं। सो इफ एनी हिंदू पर्सन वॉचिंग you can pause this video and there is a festival going to happen very soon. Is park mein ek bada hi cute scene mujhe mila hai, dekha zara, quack quack quack, so many of them. Wee. This is called safety, even janwaron ko bhi safety feel hoti hai tabhi wo khul ke jeete hain. एक और चीज़ कनाडा की भाई जो मुझे इंतहा से ज़्यादा पसंद है वो है पब्लिक वॉशरूम्स, ठीक है जी, सबके लिए कोई भी यूज़ कर सकता है, प्रॉपर साफ़ सुथरे हर जगह आपके पास अवेलेबल है, कोई बुज़ुर्ग माँ बाप हो कोई भी हो जिसको बाथरूम जाना है, ऑलवेज नीट एंड क्लीन, क्या बात है यार। ये देखें अनदर साइड ऑफ द रिवर,
Look at this beautiful cafe, the River Cafe. Nice, cute little cozy. बिल्कुल पार्क के बीचों बीच, मतलब आप समझेंगे ये टोरंटो का जो हाई पार्क है ना, अगर आपने देखा हो, उस जैसा है, उससे नेक्स्ट लेवल है। क्या कुदरत का नज़ारा मुझे मिला, वो देखें आप, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हुआ था। सो ब्यूटीफुल मैन, माशाल्लाह। तो ड्रोन में लाना भूल गया, पर मैं सोच रहा हूँ आप ऊपर जाके दिखाता हूँ व्यू, द फाइनल शॉट ऑफ दिस वॉकिंग ट्रेल। लेट्स गो ऑल द वे अप। एक्चुअली मुझे याद है मैं इधर आ चुका हूँ पहले, ब्यूटीफुल व्यू आप देखें, पर आई केम ड्यूरिंग विंटर्स और अब ऑलमोस्ट समर्स आ चुकी हैं। लुक एट द व्यू, द चेंज। तो भाई ये था आपके लिए बो रिवर, कैलगरी डाउनटाउन। लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, अगर कुछ आगे मुझे मिला तो वो दिखाऊंगा, अदरवाइज टेक केयर।